नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo A3 Pro 5G वर्सेस Oppo A18 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A3 Pro 5G में 6.53 इंच जबकि A18 में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि A3 Pro 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो A3 Pro 5G में 3 इंच जबकि A18 में 2.95 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि A3 Pro 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो A3 Pro 5G में 0.3 इंच जबकि A18 में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि A3 Pro 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो A3 Pro 5G में 186 ग्राम जबकि A18 में 188 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो A3 Pro 5G में LCD जबकि A18 में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A3 Pro 5G में 6.67 इंचेस जबकि A18 में 6.56 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन A3 Pro 5G में 720x1604px HD+ और A18 में 720x1612px HD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A3 Pro 5G में 85.13% जबकि A18 में 84.62% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो A3 Pro 5G में 264 पिक्सेल प्रति इंच जबकि A18 में 269 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A3 Pro 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और A18 की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में सेकेंडरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो A3 Pro 5G में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और A18 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो A3 Pro 5G में माली G57MC2 जबकि A18 में माली G52MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A3 Pro 5G में MediaTek Dimensity 6300 और A18 में MediaTek Helio G85 मिलता है। बात करें RAM की तो A3 Pro 5G में 8GB जबकि A18 में 4GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो A3 Pro 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि A18 में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो A3 Pro 5G में Android V14 जबकि A18 में Android V13 देखने को मिलती है। बैटरी A3 Pro 5G में 5100mAh जबकि A18 में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A3 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 18 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 9,999 रुपीस, 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 11,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो ओप्पो A3 Pro 5G में 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें ओप्पो A18 की तो उसमें 6 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में A18 आगे है, मेन कैमरा में A3 Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में A3 Pro 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 12 5G है, दूसरा Samsung Galaxy M14 4G है, तीसरा Vivo V 35G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme GT 65G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।